देखिए जहां तक इनकी बातों से निकलकर आ रहा है, मुझे बता दीजिएगा गलत हूं कि सही हूं, आप ही पूछ के बताइएगा, मैं इनसे डायरेक्ट सवाल पूछना भी नहीं चाहता। जहां तक इनकी बातों से निकलकर आ रहा है तो ये कटेंगे तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि मुसलमान काटेंगे, और बटेंगे तो इसका मतलब यह है कि हिंदुओं की बात कर रहे हैं, जहां तक इनकी बातों से मुझे समझ आ रहा है और आपकी सम्माननीय जनता को समझ आ रहा होगा। लेकिन यहां बंटवारे की राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये क्या करती है? उत्तर प्रदेश में ये जाटवों को दूसरी जातियों से लड़वाती है, उसके बाद महाराष्ट्र चले जाइए, ये मराठाओं को नॉन मराठा से लड़वाने का काम करती है, आप चले जाइए बिहार में, वहां ये दूसरी तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो इनकी जो राजनीति है वो बंटवारे पे ही टिकी हुई है और बंटवारे पे ही चल रहे हैं। लेकिन प्रतीक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूं, आप भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, मेरे साथी धनंजय गिरी जी भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, और मुझे इस बात पे बहुत गर्व है। जितना ही गर्व आपको होगा और उतना ही गर्व धनंजय जी को होगा। मेरा धर्म यानी कि हिंदू धर्म 5000 सालों से भी, उससे अनंत कालों से चला आ रहा है, जिसकी कोई ना शुरुआत है ना कोई अंत है। आज तक तो हमें कोई नहीं बांट पाया, ना कोई हमें आज तक खत्म कर पाया, आज भी हम देश में 86% के आसपास हैं। अब बताइए, मेरे देश, मेरे धर्म को ना तक आज तक कोई बांट पाया और ना कोई खत्म कर पाया। ये ऐसा ही क्यों होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आती है तो हिंदू भी खतरे में आ जाता है, देश भी खतरे में आ जाता है। आप इन्हीं हिंदुओं को बेरोजगार रखे, इन्हीं हिंदुओं को भूखा रखे। सर, कांग्रेस को रोकना चाहूंगा, कांग्रेस को रोकना चाहूंगा। कांग्रेस शासित राज्यों बेनकाब हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने जो बयान है, वक्त आप सबसे ब्रेकिंग खबर है बस मैं दे देता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों की हालत खराब, प्रधानमंत्री का बयान, कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। ये इस बयान के बाद में फिर डिबेट की तरफ रुख करते हैं। आपने बात बोली, मैं वेरी क्लियर, क्योंकि शैलेंद्र जी को बोलना है, मैं शैलेंद्र जी को दे देता हूं, फिर मैं आपके पास आ जाता हूं। जी शैलेंद्र जी, प्रतीक जी, बड़ा ही हास्यास्पद है कि सिलेक्टिव होकर लोग जो है बात रखने का प्रयास करते हैं। मैं शुरुआत से बात रखता हूं कि इन्होंने बात की, तमाम साथियों ने आरएसएस की बात की, आरएसएस की स्थापना 1925 में होती है, और यदि आरएसएस इतना ही शक्तिशाली था तो ये लोग जो बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, तो वो तो 47 में हिंदू राष्ट्र बना दिया होता। किस तरह का तर्क दे रहे हैं आप? इनको शर्म आनी चाहिए। मैं बीच में नहीं बोला था मोहब्बत, ये देखिए मोहब्बत की दुकान है। कमजोर होगा उतना हमारा देश ऊपर जाएगा। बोलने बीच में बोलने से नहीं साबित होती है जी। इनकी नहीं है, बताइए जो ये है ना वही प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकानों में ऐसा ही सामान है, वो दिख रहा है। अब मैं विषय पे आता हूँ। मेरा कहना है आरएसएस के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि आरएसएस की वजह से जो है देश में बांटने में उनका योगदान था, तो यदि आरएसएस इतनी पावरफुल थी तो उनकी तो मांग तो हिंदू राष्ट्र की है ना, जो 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 ये लोग बात करते हैं, तो फिर तो भारतवर्ष को जो है 1947 में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए था। किस तरह का तर्क है? जो संगठन नया बना हुआ है, अब दूसरी तरफ बात करते हैं इंडियन मुस्लिम लीग की, आप उनके साथ सत्ता की साझेदारी निभा रहे हैं केरला के अंदर जो। दूसरा और आगे हम बढ़ते हैं, ये बात कर रहे हैं जो है कटेंगे तो बटेंगे, इसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने वाली बात है। और अगर आपको ये लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, तो मैं ऑफिशियल मतलब स्टेटमेंट देता हूं। 2014 के चुनाव में पहली जो लीडर थी मायावती, आपके सहारनपुर में खुले तौर पे मुसलमानों को संबोधित करते हुए कि आपको एक होकर रहना है, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करते हुए, कौन के किसने, क्या नरेंद्र मोदी ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या योगी ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है? नहीं, आप देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये क्लैरिफाई भी नहीं करेंगे, नहीं और घुमाते भी रहेंगे। ये थोड़ी देर 40 मिनट के बाद वो शख्स बोला, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, आप पे लेट भी आए हैं, उनको बोलने दीजिए ना, वो लेकिन क्लैरिफाई भी नहीं करेंगे और घुमाते भी रहेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, यही आचरण है, आप क्लैरिफाई कर दीजिए, क्लैरिफाई करने का मौका दूंगा। मैंने बोला ना, मैंने सीधा सवाल पूछा, क्लैरिफाई किया ही नहीं। पूछिए सवाल, पूछिए, चलिए मैं सर, 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 सर,
2014 के इलेक्शन की रैली में वो सवाल बहन जी ने कहा और वो उस बात पर आया। सवाल यह कि बटेंगे कटेंगे में हिंदू मुसलमान कहां हो रहा है, ये बात है। एक है, एक है तो सेफ है, इसमें हिंदू मुसलमान कहां है ये सवाल है, ये बड़ी बात है जी। और अब्बास साहब जी, मैं पूरा कर दूं। इन लोगों का यह कहना है कि इस तरह का संदर्भ इनका रखने का प्रयास हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो तीन बड़ी योजनाएं हैं, ये बहुत गौर करने वाली बात है। तीन बड़ी योजनाएं हैं, उन बड़ी योजनाओं के लाभार्थी 30-35% मुसलमान है। जो लोग बोलने से बचते हैं, चुप रहिए आप, जो बोलने से बचते हैं, तो यदि यदि वो लाभार्थी हैं तो क्या वो उतना जनसमर्थन दे रहे हैं सरकार के पास? डाटा है, बताइए कहां से डाटा लेकर आए? क्या तुम जा? अरे भैया मूर्ख, आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग नहीं है, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको झूठा और जब तक रखे जाएंगे इस तरह की मनोदशा, आप जब तक रखे जाएंगे मनोदशा, आपके पास कोई तर्क नहीं है, आप एक बात का भी जवाब नहीं दे पाए, घुमा रहे हैं जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। यदि मैं जो सरकारी आंकड़ा है उसके खिलाफ अगर मैं बात करूं तो मैं मूर्ख हूँ, राइट है? मैं स्वयं के लिए कहता हूँ, मान लिया मैंने। अकलमंद वो होता है जो सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े को जो समर्थन करे, चाहे वो किसी भी सरकार हो। यदि कांग्रेस की सरकार कोई आंकड़ा देती है, सरकारी आंकड़ा है, तो मैं उसका समर्थन करूंगा। और वो हर व्यक्ति मूर्ख है, मैं रिपीट करता हूं, जो सरकारी आंकड़ों के खिलाफ बात करता है। तो आप बताइए, आप किस तरह के तथ्यों की बात कर रहे हैं? ठीक है, जो गुमराह करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट। एक बहुत स्पष्ट बात है, 1905 में अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ, उस समय वहां 70% के आसपास आबादी हिंदू की थी, आज 0.6% है। लोग कहां गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। 47 में पूर्वी पाकिस्तान जो बटा हमसे, जो पाकिस्तान आज है, उसमें 15% हिंदू आबादी थी, आज 2% रह गई, 2% से नीचे चली गई। 30% जो बांग्लादेश है अभी, उसकी आबादी हिंदुओं की 30% थी, 0.75% रह गई। ये गए कहां? जमीन खा गई, आसमान निकल गई। कांग्रेस की कलाई खुल रही है, क्योंकि आप जो बात करते हैं, आप कितनी वाहियात बात करते हैं, आप मोहब्बत की दुकान लगाते, मोहब्बत दुकान बिकती है तो तिजारत होती है जो दुकान में होती है। जिसको यह भी नहीं पता हो कि परिवार में प्यार होता है और दुकान में व्यापार होता है, जो व्यापार करते हो प्यार का, ऐसे कांग्रेसी, ऐसी इनकी कलाई खुल रही है। आप बताइए, इस देश में, इस देश में लगा जब धर्म के आधार पर आप देश को बांट दिए, धर्म के आधार पर देश को बांटने वाली और दीमक की तरह चाटने वाली कांग्रेस पार्टी, जो बाबर की मजार पर जवाहरलाल नेहरू गए, इंदिरा गांधी गई, और जो उन्होंने लिखा है, नटवर सिंह ने अपनी किताब में वन लाइफ इज नॉट एनफ में, कि उन्होंने कहा कि जब वहां से मुड़ी मैडम, तो उन्होंने कहा कैसा लगा जैसे सदिया सिबट के लम्हों में आ गई, ऐसा उन्होंने कहा। जो जिस तरह से मुस्लिम परस राजनीति करते हैं मुल्क के ऊपर, मुनाफा तो मुसलमान को रखने के, हम कहते हैं मुल्क का मुसलमान भी इसी माटी का है, आप इसी माटी से जुड़ के रहिए, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बात ही नहीं करते। वो जाने वाले डायरेक्ट कमेंट नहीं, तो इसलिए मुझे मालूम है, बस वो जाने वाले हैं इसलिए मैं उनको दे रहा हूं, उसके बाद मैं कांग्रेस से ले लूंगा जी। अब्बास साहब, यहीं से बात शुरू हुई थी, वो बात तक कहां तक पहुंच गई एकदम? देखिए प्रतीक जी, ये बात जो फजूल की कर रहे हैं, उधर आइए एएमआईएम वाले भी और इधर से भी, ये इस तरह की फजूल की बात है। इन्हें हमसे सीखना चाहिए कि हम समाजवादी लोग, पीडीए के लोग, हम सबको मिलाने की बात करते हैं, हम सबको जोड़ने की बात करते हैं। पूरा समाज कहां मिला रहे हैं आप? पीडीए में हम सबको, हम अपर कास्ट को भी रखते हैं, गरीब जितने मुझे बताइए, पीडीए में अपर कास्ट कहाँ है? देखिए मुझे आप बताइए, ये अपर कास्ट ही तो है। कौन? देखिए जनरल, ये लास्ट में जो पीडीए है, ए जो है, फुल फॉर्म क्या है? अपर कास्ट का हम वो करते हैं। पीडीए के फुल फॉर्म क्या है? वो तो अल्पसंख्यक में, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? हम सबको रखते हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक में सबको रखते हैं? नहीं, अल्पसंख्यक हम ही यहाँ पे, जो हमारे भाई गरीब है, अपर कास्ट से है, वो पीडीए में है, यह वोट दिया है।